तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं अपनी एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो गाइस आज वाली वीडियो बहुत ही मतलब धमाकेदार है। आज वाली वीडियो में आपको मैं ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ ना जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, और इस ट्रिक से जो आपको एक्यूरेसी मिलने वाली है वो आप कहीं और किसी भी हालत में निकाल ही नहीं सकते। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना क्योंकि ये वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। और आप देख रहे होगे अपनी स्क्रीन के ऊपर कि अभी जो है मैंने बोइंग कंपनी ओटीसी का जो है वो ग्राफ जो है स्क्रीन के ऊपर खोल रखा है। तो इसी की ट्रिक आपको बताने वाला हूँ, 100% विनिंग ट्रिक। तो चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर लो जितने भी बंदे हो। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस अभी जो है सिंपली मैं डाउन की ट्रेड जो है वो प्लेस करने वाला हूँ। तो डाउन की ट्रेड क्यों प्लेस कर रहा हूँ, ये एक मेरा श्योर शॉट पैटर्न है जो कि मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे डाउन की ट्रेड जो मैं प्लेस कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे प्लेस जो है वो कर दिया है। $3,000 की ट्रेड जो है वो मैंने सिंपली यहाँ पे प्लेस करी है। तो अब देखो यहाँ पे मैंने डाउन की ट्रेड क्यों प्लेस की है। देखो ये मैं काफ़ी बारी इस पैटर्न को यूज़ करता हूँ, मुझे ऑलमोस्ट 97-98% की एक्यूरेसी देता, माइनर कभी एक एरर आता है। तो ये पैटर्न जो है देखो आप लोग भी यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको करना क्या है, देखो गाइस जो भी ट्रिक बता रहा हूँ ना रात में यूज़ करना 11 बजे के बाद, क्योंकि रात में ही स्टेबल मार्केट मिलेगा बोइंग में। तो अब देखो इस ट्रिक में आपको करना क्या होता है, आपको सबसे पहले 3 कंटिन्यूस रेड कैंडल ढूंढनी है। 3 कंटिन्यू रेड कैंडल के बाद जब भी आपको 2 सॉलिड कह लो या अच्छी खासी वॉल्यूम कैंडल के बीच में जब भी आपको एक इन्वर्टेड हैमर दिखे, आपको समझ जाना है कि यहाँ पे एक शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न बन रहा है और आप इससे जो है वो डाउन की ट्रेड आपको लेनी है नेक्स्ट कैंडल पे, जैसे मैंने प्लेस की है। तो आप समझ सकते हो बहुत ईजी पैटर्न है, आपको सिर्फ ऐसी कंडीशन ढूंढनी है जिसमें 3 कैंडल्स रेड कैंडल्स बनने के बाद वापस जो है मार्केट जो है 2 अच्छी खासी वॉल्यूम की अब की कैंडल के बीच में इन्वर्टेड हैमर बनाता है, जैसे अभी पीछे कंडीशन बनी हुई है। आपको एक शॉर्ट शॉर्ट डाउन की ट्रेड लेनी है। देखो अभी अपनी ट्रेड भी जो है वो ऑलमोस्ट विन हो चुकी है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे 4 सेकंड बाकी है, विन ही होगी। तो आपको सिंपली गाइस ऐसी कंडीशन ढूंढना है ना जिसमें आपको 3 कंटिन्यूस रेड कैंडल्स के बाद 3 कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल भी दिखे, बट ग्रीन कैंडल इस ऑर्डर में होनी चाहिए कि 2 स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रीन कैंडल्स के बीच में एक इन्वर्टेड हैमर है। तो आपको समझ जाना है आप एक शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न बन रहा है डाउन के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो अपनी ट्रेड भी विन हो चुकी है, अपना जो बैलेंस है वो भी $20,688 जो है वो बन चुका है। तो अब देख सकते हो गाइस पहली ट्रेड हमारी विन हो चुकी है। ये था एक पैटर्न जो कि मैं काफी ज्यादा यूज कर रहा था। इस वीडियो को अभी मैं छोड़ना गाइस क्योंकि एंड तक इतनी सारी ट्रिक्स इस पे बताने वाला हूं ना कि आप आंख बंद करके भी एक बोइंग पे ट्रेड लोगे ना तो 100% एक्यूरेसी निकालोगे। तो चलो दूसरी ट्रिक आपको बता दो, दूसरी कंडीशन ढूंढ के। तो गाइज अभी जो हमें कंडीशन मिल चुकी है एकदम वर्किंग एकदम 100% कंडीशन जो हमें मिल चुकी है, अब आपको बताता हूँ ये क्या है कंडीशन और क्या है ट्रिक। तो अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे होगे कि आप एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम रेड कैंडल है और उसके बाद जो है मार्केट एक गैप अप हुआ है और दूसरी कैंडल से गैप डाउन हुआ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ, देन आपको बताता हूँ कि ये क्या करना है। तो यहाँ पे डाउन की ट्रेड जो है मैंने प्लेस कर दिया फटाफट से, तो एंट्री बहुत ही बेकार मिली है। एक तो बोइंग ओटीसी पे जब भी आप ट्रेड करोगे ना तो ये चीज़ तो दिमाग में डाल देना कि फ्लक्चुएशंस रहेंगी और आपकी एंट्री थोड़ी इधर उधर होगी। तो ट्राई करना बेस्ट एंट्री लो, और देखो डीप विन हो चुकी है, चलते ही एकदम डीप विन चल रही है। तो अब आपको बताता हूँ कि आप करना क्या, आपको आपको सिंपली बोइंग ओटीसी में डाउन ट्रेंड में ऐसी कंडीशन ढूंढनी है जिसमें एक स्ट्रॉन्ग रेड वॉल्यूम कैंडल के बाद आपकी एक कैंडल गैप अप होके आपकी बननी चाहिए और उसकी अगली गैप डाउन होके आपकी बननी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन जैसी आपको मिल जाए तो आपको मेरी तरह जो है एक अच्छे खासे अमाउंट से डाउन की ट्रेड लेनी है। तो ये इसमें देखो आपको बहुत सिंपल है ट्रिक, आपको सिर्फ इसमें एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम रेड कैंडल ढूंढनी है और उसके बाद अगली कैंडल गैप अप होके अब बननी चाहिए और उसकी अगली गैप डाउन होके अब बननी चाहिए। तो ये कंडीशन जैसी फुलफिल हो जाए तो आप एक शॉर्ट शॉर्ट अप की ट्रेड के लिए जा सकते हो, क्योंकि देखो इस ओटीसी में ना जितने भी स्टॉक सेक्शन है उसमें गैप अप गैप डाउन से आप एकदम जो है नेक्स्ट कैंडल जज कर सकते हो आप उसके पैटर्न्स को देख के। तो ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना गाइस, इसे अगर आप नाइट ट्रेडिंग में यूज करोगे 11-12 बजे के बाद तो शॉर्ट शॉर्ट आपको मैं बताऊं रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको बहुत ही तगड़ी एक्यूरेसी मिलेगी। तो अभी आप देख सकते हो हमने जस्ट 2 ट्रेड में ही जो है वो अपना बैलेंस जो है $25,000 जो है वो बना लिया है, और कितना इजीली हमने इस पे प्रॉफिट किया आप देखोगे। तो बोइंग ओटीसी पे जस्ट हमने पैटर्न को यूज़ करके एकदम शॉर्ट शॉर्ट ट्रेडें निकाली हैं। तो 2 पैटर्न मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और हाँ गाइस देखो, अगर आप चाहते हो कि मैं पर्सनली आपको बोइंग के सिग्नल्स दूँ 100% एक्यूरेट, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ हमारे VIP में ज्वाइन होना है, और हमारे VIP में ज्वाइन होना बिल्कुल फ्री है। आपको बस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे जाओ और अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको क्यूटेक्स का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक से अकाउंट क्रिएट करके आपको अपने अकाउंट में $50 डिपॉजिट करने हैं और मैं आपको अपने VIP में ऐड कर दूंगा। वहाँ पे मैं बोइंग ओटीसी के 100% शॉर्ट शॉट भी जो स्काई 100% VIP में देता हूँ।
तो बस रेडी हो जाओ अगर आप चाहते हो मेरी एनालिसिस से 100% विनिंग सिग्नल, तो बस लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लो। और हाँ गाइस, इस वीडियो को बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना, क्योंकि अभी जो इस वीडियो में एक और ट्रिक आपको बताने वाला हूं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इस वीडियो में आपको एक नहीं दो नहीं तीन ऐसे ट्रिक बताऊंगा जो कि 100% वर्क करती है, तो बस इस वीडियो को एंड तक देखो, बिल्कुल भी स्किप मत करो, वरना यार बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिस कर लोगे। तो चलो दूसरी कोई ट्रिक की कंडीशन ढूंढ के फटाफट से आपको मैं बताता हूं। तो ढूंढते गए कंडीशन, तो देखो गाइस यहाँ पे जो कंडीशन हमें मिल चुकी है, और अगेन जो वो डाउन की ट्रेड लेंगे, तो अब आपको बताता हूँ कि इस बारी क्या ट्रिक है, क्या पैटर्न है। तो अभी आप देख रहे होगे अपनी स्क्रीन के ऊपर ऐसी ये पैटर्न आपको एबनॉर्मल लग रहा होगा, तो चलो पहले ट्रेड लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे डाउन की ट्रेड क्यों लिया। तो ट्रेड मैंने प्लेस कर दिया एंड अगेन जैसा मैंने बताया था, एंट्री आपको अच्छी मिल जाए तो खुश रहना, वरना देख ही सकते हो आप कैसे हाल होता है एंट्री में। तो यहाँ पे एक एंट्री अपनी नीचे हो गई, बट चार एंट्री अपनी सही हुई है, तो यहाँ पे दो एंट्री और ऊपर प्लेस कर देता हूँ। अब देखो आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे मैंने डाउन की ट्रेड क्यों लिया है। तो यहाँ पे मैंने डाउन की ट्रेड इसलिए लिया है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा शेडोज छोड़ के जो है वो एक गैप अप कैंडल जो आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी, जो बीच में बनी है टू साइड शेडो कैंडल के बीच में जो गैप अप हुआ है एक बड़ा, उसके बाद आप देखोगे तो नेक्स्ट कैंडल गैप डाउन हुई है। तो देखो यहाँ पे ओटीसी में देखोगे तो आपको सबसे ज़्यादा जो चीज़ नोटिस करनी है ना इन स्टॉक के ओटीसीज में, वो है कि आप इनकी मूवमेंट और ये जो गैप अप जो प्राइस एरर होता है उसे नोटिस करो। तो अब जैसी अगर आप देखोगे तो वो गैप अप और उस गैप डाउन के बाद भी जो है मार्केट कंटिन्यूसली जो है वो अप गया है। तो अब इसके बाद आपको जब भी ऐसी कंडीशन आपको अपने आप देखने को मिले कि इतना अच्छा खासा गैप अप होने के बाद, एक गैप डाउन होने के बाद, एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम की अगेन अप की कैंडल देखने को मिले, तो आपको सिंपली जो है वो वहाँ पे डाउन ट्रेड जो है उसको प्लेस करना है। अब देखो ये मैं ट्रेड मैंने यहाँ पे डाउन, अब इसका रीज़न बताता हूँ। देखो अगर यहाँ पे होता तो ये जो गैप अप हुआ है उसके बाद मार्केट को एक अच्छा खासा बड़ा अप मूवमेंट अगर देना होता तो नेक्स्ट कैंडल भी जो गैप डाउन की जगह गैप अप होता, तो गैप डाउन होने के बाद भी आपको देखा कि आपने जो है नेक्स्ट कैंडल जो है वो एक और अप की मिल गई, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली ऐसी कंडीशन में जो है वो डाउन की ट्रेड जो मेरी तरह प्लेस करनी है। देखो यहाँ पे जो अपनी ट्रेड है वो प्रॉफिट में भी आ चुकी है, और देखो यहाँ पे जो अपना बैलेंस वो 30,000 के आसपास जो बन चुका है। तो अब देखो आपको ऐसी कंडीशन में सिंपली आपको जब भी मिल जाए तो आपको सिर्फ वेट करना है कि जैसी ही ऐसी कंडीशन बने आपको सिंपली बस वेट करना है कि मार्केट जो है उस प्राइस पीछे आपको देखना है, एक अच्छा खासा ऐसा प्राइस ढूंढो जहां से मार्केट रिजेक्ट हुआ हो, और जैसे ही उस प्राइस के पास मार्केट पहुंचे आप आंख बंद करके डाउन की ट्रेड ले लो। तो सेम यही चीज़ है, पीछे मैं ग्राफ में जो गया था तो वहां पे मुझे एक रिजेक्शन प्राइस मिला, तो सेम वहीं पे एक कैंडल जो है क्लोज हुई, और मेरे को ये चीज़ कन्फर्म इससे हुई कि पिछली कैंडल जो इससे पिछली वाली थी वो गैप डाउन हुई थी। अगर मार्केट को बड़ी अप मूवमेंट देनी होती तो वो वाली जो कैंडल है वो भी गैप अप होनी थी। तो ये मैंने यहाँ पे बस कह सकते हो कि मूवमेंट को रीड किया, और एक जैसे ही मुझे रिजेक्शन वाला प्राइस मिला और वहां पे कैंडल क्लोज हुई, मैंने शॉर्ट शॉर्ट जो है डाउन की ट्रेड प्लेस कर दी। तो अब देख सकते हो गाइस यहां पे विन हो चुके हैं, हमने 17,000 से शुरू किया था और अभी जो हमारा बैलेंस है वो 30,000 के आसपास बन चुका है। तो गाइस ये जो है बैलेंस मैंने तीन ट्रिक से बनाया है, और तीनों ट्रिक मैंने आपको बताई है, तो अब आप समझ सकते हो कि कितनी ज्यादा वर्क करती हैं, और जस्ट हमने तीन ट्रेड में $13,000 का जो प्रॉफिट है बुक किया है। तो अब आप समझ सकते हो कितनी अच्छे से ट्रिक वर्क करती है। तो गाइस यही थी आज की वीडियो, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा यार, फटाफट से वहाँ पे ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि अगर आप चाहते हो बोइंग ओटीसी के 100% शॉर्ट्स और सिग्नल्स फ्री में, तो वहाँ पे ज्वाइन हो जाओ, और हमारे VIP के लिए अकाउंट क्रिएट करो, लिंक में दिया होगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, और $50 से ऊपर डिपॉजिट करो आपको VIP में ऐड कर दिया जाएगा। तो यही थी गाइस आज की वीडियो, होप करता हूँ आप सबको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।